name is Riya Makwana. I am very grateful of Webinar Crew for giving this opportunity and giving a platform for all women especially to come forward and show their talent. So today I'll be cooking a Punjabi sabzi which is called as Loki Labavdar. It is basically a sabzi which is made out of dudhi or loki, what you call, which is also called as bottle gourd. So let's get started. हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमको चाहिए घी 1 टेबलस्पून, बाकी काजू के पीसीस चाहिए 8 to 10 pieces, एंड कड़ी पत्ता, पुदीना, उड़द दाल, पनीर, चीज, लहसुन, जिंजर का पेस्ट, नॉर्मल मसाले एंड बॉइल्ड आलू एंड धनिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जितना ऑयल घी डालेंगे। एक बार गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना राई। अभी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून उड़द दाल। कड़ी पत्ता रफली काटा होगा। ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। काजू है उसको हम हाथ से रफली थोड़ा काट लेंगे और वो डाल देंगे। क्विक मिक्स दे देंगे। डालेंगे 1 टीस्पून और एक मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा टेम्परिंग या तड़का जो है स्टफिंग के लिए वो रेडी हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। निकाल के साइड पे रख देंगे। 2-3 मीडियम साइज्ड बॉइल्ड आलू है ये, वो लेंगे। इसके अंदर अभी हम सारे मसाले डालेंगे। पहले हम जो हमने ये बघार बनाया है वो डालेंगे। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून धनिया, 1.5 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून जितना मिंट पुदीना, इसमें जाएगा अभी सॉल्ट, Thank you.
taste. अभी हम इसके अंदर डालेंगे पनीर जो हम रफली हाथ से क्रम्बल कर रहे हैं. पनीर इज ऑलमोस्ट 100 ग्राम. पनीर डाल के हम चीज ग्रेटर से, ये एक चीज क्यूब है, उसको हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे. हम इसका एक प्रॉपर फाइन स्टफिंग बनाएंगे क्योंकि इसको हम हमें वो लौकी या दूधी के अंदर स्टफ करना है. आपका ये स्टफिंग ऐसा बनेगा. सो नाउ वी कैन स्टफ दिस. अभी हमने ये लौकी का, एक बड़े लौकी का, लाइक हाफ के जी लौकी का, हमने तीन ऐसे पीसेस कर लिए हैं. आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के हिसाब से आप इसको कर सकते हो. हमने ये एक पोटैटो पीलर होता है, हमने उसके साथ ऐसे स्क्रेप किया है अंदर का जो भी होता है उसको. तो हमने इसके अंदर अंदर एक कैविटी बना दिया है. अभी ये कैविटी के अंदर हम ये स्टफिंग भरेंगे. इसको आपको प्रेस करके भरना है क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए. तो आप प्रेस करके इसको स्टफ कर दीजिए. और आप ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे इसको क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके इसको प्रेस करेंगे तो आपका दूधी का, आपका लौकी का फटने का चांसेस हो सकता है. तो ऐसे करके हम ये स्टफ कर देंगे. और स्टफ करने के साथ साथ हमें तो हमको ये स्टीम करना है. तो स्टीम के लिए हम पहले गैस ऑन करके में एक ऐसा रिंग मोल्ड डाल देंगे और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे. उसके ऊपर हम एक ऐसा छन्नी जैसा लेंगे. आपको एक प्लेट भी डाल सकते हो और इसको हम थोड़ा ग्रीस कर लेंगे इधर विद ऑयल या बटर, जो भी आपको पसंद हो, जिसकी वजह से वो स्टिक ना हो वहां पे. और ये हम ऐसे डाल देंगे. तो हम कवर करके वार्म होने देंगे और साइड बाय साइड हम अपना दूसरा जो लौकी का पीस है वो भी स्टफ कर देंगे. हेल्प के साथ हम इसको ऐसे
एक आउटलाइन दे देंगे और हमको बहुत पतला नहीं, मतलब अंदर का सारा जो है स्टफिंग वो सब नहीं निकालना है, उसको थोड़ा थिक रखना है, क्योंकि अगर वो बहुत पतला होगा तो आप जब स्टीम करेंगे तभी वो फट जाएगा और आपका स्टफिंग बराबर नहीं रहेगा। तो ऐसे करके हमने ये लौकी का जो पीसेस है उसको रेडी किया था। नाउ ये हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर हम ये लौकी के पीसेस डाल देंगे ऐसे और इसको हम बॉईल होने देंगे, स्टीम होने देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स। तो जब तक हमारा ये लौकी स्टीम हो रहा है हम इसके साथ एक गार्लिक लच्छा पराठा सर्व करने वाले हैं, तो उसका हम डो रेडी कर देते हैं। डो के लिए हमने लिया है 2.5 कप्स ऑफ गेहूँ का आटा, आप चाहे तो इसको हाफ एंड हाफ में भी कर सकते हो, आधा आटा आधा मैदा या फिर पूरे मैदा का भी बना सकते हो। तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जितना गार्लिक पेस्ट लिया है वो हम डालेंगे और इसके अंदर जाएगा 1/2 to 1 tablespoon घी। सॉल्ट टू टेस्ट, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जस्ट 1/2 teaspoon। अब हम इसको पानी डाल के एक सॉफ्ट से मीडियम हार्ड डो बना देंगे। ये अब हमारा डो रेडी हो गया है, हम इसके अंदर थोड़ा ही हल्का सा घी अप्लाई करके इसको एक और बार मिक्स नीट करके बराबर से प्रॉपर एक बोल का शेप राउंड शेप करके हम इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए फॉर हाफ एन आवर। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं, हम एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेंगे। अभी आपको चेक करना है कि अगर आपका ये जो लौकी है वो थोड़ा कुक हो गया है या नहीं हुआ है, तो हम एक टूथपिक लेंगे, हम इसको इंसर्ट करेंगे इसमें। अगर ये ईजिली अंदर जा रहा है मीन्स आपका ये कुक हो चुका है, और आप जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्टफिंग हमारा बाहर आ गया है, डोंट वरी, आपको शुबारी करने का ज़रूरत नहीं है, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हम इसको निकाल के बाहर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जैसे एक बार वो ठंडा हो जाएगा तो आप उसमें वापस से स्टफिंग भर सकते हैं, तो उसमें कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं है। नाउ हम इसको एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा 10 से 15 मिनट तक इसको ठंडा करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा स्टफिंग जो बाहर निकल के आया है वो भी हम इसमें डाल देंगे वापस प्लेट में, क्योंकि अगर ये एक बार ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम यही वापस स्टफ कर देंगे लौकी को। तो अब इसे हम रहने देते हैं 15 मिनट्स के लिए ठंडा होने। स्टफ लौकी जब तक ठंडा हो रहा है हम ग्रेवी का प्रिपरेशन कर देते हैं। उसके लिए हम लेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून जितना घी, अगेन आप उसमें आप चाहिए तो आप बटर डाल सकते हो, आप घी ऑयल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। इसमें हम लेंगे अराउंड 2 टीस्पून जितना जीरा, हमने ग्रेवी के लिए लिया है अराउंड 10 to 12 काजू के पीसेस, एक बड़ा तज पत्ता, एक छोटी इलायची और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च। अब इसको हम 2 मिनट, 1 या 2 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट होने देंगे घी में।
बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा इसका। और जैसे ही आपका काजू जो है वो थोड़ा रेड ब्राउन होने लगे, हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा प्याज। सो ये रफली अराउंड 2 मीडियम साइज के प्याज है जिसको हमने रफली चॉप किया है बड़े बड़े चंक्स में, क्योंकि इसको हमने बाद में कुक होने के बाद हमको प्यूरी करना है, तो ये रफली चॉप भी चलेगा। सॉल्ट अभी इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्याज है वो थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। हम वेट करेंगे 1 से 2 मिनट में ये प्याज जो है वो हमारा कुक हो जाएगा। हमको ओवर कुक नहीं करना है प्याज को, उसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ उसका जो रॉनेस है वो चला जाए उतना ही हमको उसको कुक करना है। इसके अंदर हम 5 से 6 लहसुन की कली है उसको हम ऐसे ही डाल देंगे और उसको भी 1 मिनट तक पकाएंगे। ये होने के बाद हमने यहाँ पे लिए है अराउंड 3 से 4 बड़े से मीडियम साइज के टोमेटोज, उसको भी हमने रफली चॉप कर दिया है और हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार एक क्विक स्टर करके हम उसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 2 to 2.5 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो तीखा या जितना करना है आपको। इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून का धनिया पाउडर, ये मिक्सचर को कुक करना है फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अराउंड 1/4 कप। तो एक बार मसाले को बराबर सब कोट हो जाए अनियन और प्याज को, आपके अनियन और टोमेटो को एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर ये चीज को हम रख के ऑन अ मीडियम फ्लेम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, सो दैट वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और जो टोमेटो का स्किन है वो थोड़ा पील होना चालू हो जाए, तब तक हम इसको कुक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमने इसको रखे हुए, अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके टोमेटोज के जो स्किन है वो ऐसे निकल गए हैं, मीन्स हमारा टोमेटो जो है वो कुक हो गया है। अब हम इसको फ्लेम से निकाल के हमारे पास एक मिक्सर जार है उसमें हम ये ट्रांसफर करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसका प्यूरी बना देंगे। ये बहुत वर्सेटाइल प्यूरी है, आप ये प्यूरी के अंदर वेजिटेबल्स डाल सकते हो और उसको आप एक वेजिटेबल लबाबदार सब्जी बना सकते हो, आप इसके अंदर पनीर डाल सकते हो और पनीर लबाबदार सब्जी बना सकते हो। तो ये बहुत वर्सेटाइल ग्रेवी है। तो अब हम इसको अराउंड 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे और फिर इसका प्यूरी बना देंगे। जब तक हमारा जो टोमेटो प्यूरी
ठंडा हो रहा है, हम पराठा का प्रेपरेशन कर देते हैं। हमने लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून जितना मेल्टेड बटर, हम इसके अंदर डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून जितना चॉप गार्लिक, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना धनिया और 1/2 टीस्पून जितना ग्रीन चिली का पेस्ट और हम इसको मिक्स कर देंगे। पोर्शन लेके हमारे डो का हम इसको एक नॉर्मल पराठे का शेप दे देंगे। पराठा बन गया है। अभी लच्छा पराठा बनाने के लिए हम दो टेक्निक जनरली यूज करते हैं। एक जो है वो आप इसके हम स्मॉल स्ट्रिप्स काट सकते हैं और एक के ऊपर एक रख के थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको रोल करके फिर बना सकते हैं। अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो एक ईजी प्रोसेस है। हम इसके अंदर जो हमारा ये बटर का पेस्ट जो हमने रेडी किया है वो थोड़ा लेके हम इस पर अप्लाई कर देंगे, तो इससे आपको एक अच्छा थोड़ा सा गार्लिक का भी फ्लेवर आएगा इसके अंदर। उसके ऊपर हम थोड़ा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके उसको वापस ऐसे टर्न कर देंगे और यही प्रोसेस को हम पूरे पराठे में करते जाएंगे। तो ये बहुत एक इजी वे है लच्छा पराठा बनाने का और ये हम ऐसे प्रेस करके अभी रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आटा डाल देंगे के टाइम आपके पराठे का जो कॉर्नर्स है अगर वो थोड़ा कट हो रहा है या थोड़ा लूज हो रहा है या पराठे से डिटैच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लच्छा पराठा जनरली ऐसे ही होता ही है, लाइक ऐसे ही स्ट्रक्चर में होता है, तो उसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको हम बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, मीडियम साइज का बनाएंगे और मीडियम थिकनेस का बनाएंगे। हमारा ये पराठे से प्रॉपरली सेक लेंगे। ये एक साइड से हो गया है। आप चाहे तो ऐसे एक कपड़े के हेल्प से उसको प्रेस करके भी कुक कर सकते हैं, इससे आपका जो वो पराठा है वो जल्दी सीक जाएगा। और अगर आप पराठा सेकते टाइम अगर आपका पराठा थोड़ा बाहर निकल रहा है या टूट रहा है तो इट इज फाइन, उसका मतलब है कि आपने बराबर बनाया है, क्योंकि लच्छा पराठा जनरली ऐसा ही होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा घी डाल के इसके ऊपर प्रॉपर सेक लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर भी बटर लगा सकते हैं या फिर ऑयल या ऑलिव ऑयल किसी के साथ भी कुकिंग कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं पराठे को। हमको ये डार्क ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसको प्रॉपरली कुक करना है, जिससे आपका आटा कच्चा ना लगे, बिकॉज अंदर की जो लेयर है वो थोड़े नॉर्मल से थोड़े ज्यादा थिक है, तो इसके लिए हमको उसको प्रॉपरली कुक करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अभी हमारा हो गया है।
लौकी था वो ठंडा हो चुका है और जो भी जितना भी स्टफिंग बाहर निकला था इसको स्टीम करते टाइम हमने ऑलरेडी वापस अंदर इसके अंदर स्टफ कर दिया है। इसको आप बहुत डेलिकेटली हमको हैंडल करना है बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा जोर से उसको प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा। अब हम इसके राउंड स्लाइसेस कर देते हैं। तो राउंड स्लाइसेस करने के टाइम आपको इसको स्टफिंग को दोनों साइड से प्रेस करना है और फिर आपके नाइफ के हेल्प से इसको आप सर्कुलर डिस्क में ऐसे काट दीजिए। तो ये आपका ऐसे पीसेस रेडी हो जाएंगे। अब हम सारे पूरी लौकी को हम ऐसे ही कट कर देंगे। आप इसको ऐसे स्लाइसेस में कर देंगे तो आपको सर्व करने में और आपके जो गेस्ट है आपके घर वाले उनको खाने में भी बहुत इजी रहेगा ये चीज। अभी आप इसको जैसे ये जैसा आपने स्टीम किया है आप वैसे के वैसे ही इसको खा सकते हो। ये ऐसे भी बॉईल किया हुआ स्टीम किया हुआ भी अच्छा लगता है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सेक लेते हैं। तो हमने जो ये गार्लिक बटर बनाया था पराठे के लिए हम उसी को यूज़ करके ये पैन में हम उसको सिर्फ ऐसे स्प्रेड आउट कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्लेन बटर, प्लेन घी, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हो आप गेस्ट के लिए ये चीज़ बना रहे हो तो आप ये स्टीम करके रख सकते हो और आप जब भी आप सर्व कर रहे हो आपके गेस्ट को तभी ये चीज़ आप रोस्ट करके उनको गरम सर्व कर सकते हो या तो फिर आप रोस्ट करके भी ऐसे भी रख सकते हो। करने का एक ही पर्पस है कि ये जो आप सेंटर में जो आलू का स्टफिंग है हमारा वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा जिससे कि जो ये आप सर्व करोगे तो ये टेस्ट बहुत अच्छा करेगा। आप अगर देख सकते यहाँ पे जो हमने यूज किया है बटर उसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि वो इन्फ्यूज्ड है गार्लिक से। अभी ये धीरे धीरे उसकी जो साइज है वो ब्राउन होने लगी है। हमको उसको पूरा कुक नहीं करना है हमको सिर्फ उसको स्लाइटली ब्राउन कलर या स्लाइटली रोस्ट हो उतना करना है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो है ऑलमोस्ट प्रॉपरली रोस्ट हो गया है। हम इसको अब ये प्लेट में निकाल देंगे। आप ये स्टेप भी करके रख सकते हो या जब भी आप सर्व कर रहे हो तभी भी तुरंत का तुरंत कर सकते हो। हम ये अभी रेडी जो फाइनल है वो रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना घी। आप ये स्टेज पे बटर भी डाल सकते हो। इसको हम थोड़ा वार्म होने देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा अराउंड 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे। हम इसमें अभी कोई भी खड़ा मसाला नहीं
डाल रहा है बिकॉज ऑलरेडी हमने प्यूरी में डाल दिया है सब कुछ। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हींग और अब हम ऐड करेंगे हमारा जो प्यूरी है वो। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर आया है। अभी हमने बिना कोई कलर डाले बिल्कुल नेचुरल सोर्स से इतना ब्यूटीफुल कलर आया है। अभी ये ग्रेवी जैसे हमने पहले भी आपको बताया बहुत बहुत चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो इसको। और अगर आपको कोई स्पाइसी या पनीर का कोई सब्जी बनाना है तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा रेड चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हो तो एकदम रेड ग्रेवी बन जाएगा आपका। हम इसको 1 मिनट कुक करेंगे। इसको ज्यादा नहीं कुक करना है बिकॉज ये ऑलरेडी कुक की हुई चीज का प्यूरे हमने बनाया है। इसके अंदर हम डालेंगे करीब 1/2 कप जितना पानी। और इसके अंदर हम अब बाकी के जो मसाले हैं हम वो डाल देते हैं। हम इसके अंदर 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी। इसको हम ऐसे ही रफली पाम में रब करके इसके ऊपर डाल देंगे। हम डालेंगे गरम मसाला अराउंड 1.5 टीस्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट। हमने ऑलरेडी प्यूरी में सॉल्ट डाला हुआ है तो हम अकॉर्डिंगली ही उसमें डालेंगे। ये प्यूरी में अकॉर्डिंगली सॉल्ट डालेंगे। इसको आप जैसे जैसे कुक करेंगे उसका बहुत अच्छा स्मेल आएगा और बहुत अच्छी फ्लेवर बाहर आएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें खड़े मसाले अंदर प्यूरी में डाले हैं जिसका टेस्ट और फ्लेवर और स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। और ये बहुत हमारा एक रिच ग्रेवी बन गया है। ये पर्टिकुलर सब्जी में हमको और एकदम थिन ग्रेवी नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल से थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए, हमको एकदम रनिंग ग्रेवी नहीं चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ग्रेवी है थोड़ा और सूख रहा है आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं अराउंड 3/4 कप और एक बार हम इसको बराबर से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसके अंदर अभी 1 से 1.5 टेबल स्पून मलाई डालेंगे। ये हमने घर का बना हुआ मलाई लिया है। आपके पास नहीं है तो आप क्रीम भी डाल सकते हो, जो अमूल का क्रीम आता है वो। और वापस एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारा जो ग्रेवी है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी हमें और थिकनेस इतना ही चाहिए, हमको इससे ज़्यादा नहीं थिक पतला चाहिए। तो बस ये जो सब्जी है उसके साथ यही इतना ग्रेवी थिकनेस चाहिए हमको ग्रेवी का। अब इसको लास्ट में फिनिश करेंगे ऊपर थोड़ा धनिया डाल के। हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम करते हैं प्लेट। अभी हम इसका प्लेटिंग करेंगे। आप पराठा जो है आपका बहुत डेलिकेट होगा बिकॉज ये लच्छा पराठा है तो आप उसको ऐसे चूरा करके डाल
प्लेट पे डालनी है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो हमारा गार्लिक बटर है वो ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अभी हम ग्रेवी लेंगे, लौकी है उसके दो पीसेस रख देंगे, उसको हम गार्निश करेंगे। हमने ये अनियंस का एकदम पतला सा रिंग रेडी कर दिया है, हम वो उसके ऊपर डालेंगे। लास्ट में उसको फिनिश करने के लिए हम ऊपर से धनिया डालते हैं।